होशियारपुर पुलिस ने देर रात एक कांग्रेस नेता पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, जो कि कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेता के साथ फोटो खिंचवाकर लोगों से ठगी मारने का काम करता था। बात यहां तक सीमित नहीं है, इस व्यक्ति ने एसएसपी और डीसी तक के लोगों को भी निशाना बनाया और पुलिस के नाम पर 2.5 लाख रुपए की ठगी मारी। जब पुलिस ने जांच की तो दोषी कांग्रेस नेता हैप्पी सूद काबू आ गया, जिसके बाद पुलिस ने इस नेता पर धारा 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया। वहीं अब इस मामले में कोई भी कांग्रेस और भाजपा नेता हैप्पी को अपना कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। दरखास्त अपने जिहड़ी आई सी जी एक इंचार्ज इलेक्शन सैल गौरव तीज वालों आई सी यूइंग वालों कि उन्हें किसी राजीनामे दे विच उन्हें पैसे पूसे ले सीगे ते उहदे संबंध विच दरखास्त दी पड़ताल तो बाद एस एच ओ सदर नूं मुकदमा दर्ज लई भेजिया सीगा, जिहड़ा कि मुकदमा नंबर 154 अंडर सैक्शन 406 420 506 आई पी सी के तहत दर्ज किया गया है। ये मामला कोई पिरामिड ई सर्विस लंदर कोई कंपनी हैगी है बाहर बूट भेजन का एएसई सुरिंदर सिंह नाल कोई सीगा पर्चा पुर्चा दसी उहदे संबंध में कोई राजीनामा होया सी उहदे सिलसिले च कोई ये राजीनामा होया सी उहदे विचों जिहड़े पैसे मिले सीगे पिरामिड कंपनी ने दित्ते सी उहदे विचों पता लग गया कि उहदे विचों रखे सी बाकी 2.5 लाख का सीगा। अगली तफ्तीश चल रही है, बाकी जो फैक्ट्स अगर सामने आएंगे उदों तक कर लेंगे। 420 506 406 रेस्ट फर्दर जो रेस्ट रेड वगैरह कर रहे हैं जो फर्क जो कानून मुताबिक कर रही हो। जागती लहर के लिए होशियारपुर से दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट।